अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दानिश जमाल, ट्रांसलेशन स्टडीज़ विद डॉक्टर गाजी में खुश आमदी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम है न्यू ट्रेंड्स इन ट्रांसलेशन 2023। इसमें आज हम दूसरा ट्रेंड लेकर आए हैं, मल्टीलिंगुअल एसईओ एंड ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअल एसईओ है क्या। मल्टीलिंगुअल से मुराद है मुख्तलिफ ज़बानें जैसे अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज़ एट्सेट्रा। एसईओ से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका दूसरा कंपोनेंट है ट्रांसलेशन, यानी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करना, और इन दोनों का आपस में लिंक क्या है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट ने दुनिया को कनेक्ट कर दिया है। इसकी मदद से हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं या कोई भी डेटा या रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। इसकी वजह से मुख्तलिफ बिजनेसेस और वेबसाइट्स को मुख्तलिफ मुल्कों और कल्चर्स के लोगों तक पहुंचाना आजकल की बहुत ज़रूरत है, जिसमें मल्टीलिंगुअल एसईओ यूज़ होता है। मल्टीलिंगुअल एसईओ, जैसे मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ ज़बानों के में सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, जिसकी वजह से वेबसाइट्स और बिजनेसेस जो हैं वो मल्टीलिंगुअल एसईओ को यूज़ करते हुए अपनी एसईआरपीस यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हाई रैंक करना चाहती हैं। और ये दो तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले लोकलाइज कीवर्ड्स, डोमेन नेम्स और लैंग्वेज स्पेसिफिक कंटेंट। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल की बात करें, तो एक बिजनेस या वेबसाइट अगर पाकिस्तान में लोकलाइज होना चाह रहा है तो उसको उर्दू में अपने सारा कंटेंट ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और हमारे कल्चर के हिसाब से उसको सारी टर्मिनोलॉजीज और सारी जो है वो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है मल्टीलिंगुअल एसईओ का, जो कि मुख्तलिफ लोगों के को रीच करने के लिए, मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ की ऑडियंसेस हैं उनको केटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ट्रांसलेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कल्चरली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और कॉन्टेक्स्टुअली रेलिवेंट होनी चाहिए। मल्टीलिंगुअल एसईओ और ट्रांसलेशन के जो मेन बेनिफिट्स हैं, एक बिजनेस या वेबसाइट अपनी ग्लोबल रीच बढ़ा सकता है, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकता है और डेफिनेटली अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।